आज हम देखेंगे कि आप 12th के बाद कौन कौन से कंप्यूटर डिग्री है जो कर सकते हैं अगर आपको आईटी फील्ड में जाना है तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कोर्स है और आप कर सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और आगे चलते पूरा वीडियो देखना ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है आप वो देख सकते हैं। सबसे पहले BCA, जो BCA है वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। उसमें भी आप मास्टर भी कर सकते हैं, जिसे हम MCA भी कहते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें हम डिटेल में जाएंगे कि BCA क्या होता है आगे वीडियो में, तो वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। उसके बाद है BCS, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें भी आप मास्टर भी कर सकते हैं, जिसे हम MSc भी कहते हैं। और उसके बाद है BTech, जो इंजीनियरिंग होती है, वो भी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें भी आप मास्टर कर सकते हो, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए BCA, BCS और BTech के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो BCA होता है वो कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि 12th पास होना ज़रूरी है, किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। पर क्या होता है कि कुछ कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ साइंस पास स्टूडेंट को ही लेते हैं, पर ऐसा लगभग 90% ऐसे कॉलेज जो आपको किसी भी स्ट्रीम से हो एडमिशन दे देंगे। उसके बाद है ये जो कोर्स होता है 3 साल का होता है और उसे 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया होता है। और उसके बाद आपको BCA के बाद अप टू 10 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा, और ये आपके नॉलेज पे डिपेंड है। अगर नॉलेज अच्छा होगा तो इससे ऊपर भी आपको पैकेज मिल जाएगा, पर एवरेज पकड़ के चलते कि 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा। उसके बाद है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस BCS। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है 12th साइंस प्लस मैथ सब्जेक्ट पास। जो BCA होता है यहाँ पे आपको किसी भी स्ट्रीम से पास हो 12th में तो एडमिशन मिल जाएगा, पर BCS में ऐसा नहीं है। BCS में आपको 12th में साइंस होना ज़रूरी है प्लस मैथ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद ये भी 3 साल का कोर्स है, इसमें 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद आपको अप टू 11 से 12 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा, ये भी नॉलेज पे डिपेंड है, इससे भी ऊपर जा सकता है। उसके बाद है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, से हम इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी होती है 12th साइंस पास होना ज़रूरी है प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसे कि मान लो कि मैं महाराष्ट्र से हूँ तो यहाँ पे CET देनी पड़ती है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो ऐसा ज़रूरी है। 12th साइंस पास होना ज़रूरी है प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेंगी। और अगर आपने पहले इससे पहले डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है 3 साल का, तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हो, बट उसके लिए आपको बहुत लिमिटेड सीट्स होती है तो चेकआउट करना पड़ेगा। और इसका ड्यूरेशन है 4 साल और 8 सेमेस्टर, और अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाते हो तो 3 साल 6 सेमेस्टर पढ़ते हैं, पर अगर आप 12th के पास बाद जा रहे हैं तो आपको 4 साल लगेंगे और 8 सेमेस्टर होंगे। और BTech के बाद आपको 22 से 25 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा, और ये भी आपकी नॉलेज पे डिपेंड है, अगर आपका नॉलेज अच्छा होगा तो इसके ऊपर भी आपको पैकेज मिल जाएगा।